स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती? ए विराट कोहली, बी अभिषेक शर्मा, सी नीतीश कुमार रेड्डी, डी ट्रेविस हेड। आंसर ए विराट कोहली। एक्सप्लेनेशन, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने 15 मैचों में 741 रन के साथ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप जीती। वहीं पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल 14 मैचों में 24 विकेट लेकर आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और पर्पल कैप अपने नाम कर ली। अगला प्रश्न, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? ए लक्पा शेरपा, बी पूर्णिमा श्रेष्ठ, सी जनको ताबे, डी पासंग यहामू शेरपा। आंसर बी पूर्णिमा श्रेष्ठ। एक्सप्लेनेशन, गोरखा नेपाल की 32 वर्षीय पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने मौजूदा सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने की असाधारण उपलब्धि हासिल की है। फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने वाले श्रेष्ठ ने 12 मई, 19 मई और 25 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना, डी मध्य प्रदेश। आंसर सी तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन, तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा। बता दें कि गुटखा और पान मसाला के सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए बीपीसीएल, बी एचपीसीएल, सी अदानी ग्रीन, डी आईओसीएल। आंसर डी आईओसीएल। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सेना ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए समझौता किया है। ये नवाचार और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में भारतीय सेना का एक और कदम है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी प्रदान की गई। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 26 मई, बी 27 मई, सी 28 मई, डी 29 मई। आंसर सी 28 मई। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड हंगर डे विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस द हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है जिसे पहली बार साल 2011 में शुरू किया गया था। दुनिया भर में कई लोगों के भूख संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड है।